नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी चंदन भट्ट ने किया नामांकन दाखिल। सोमवार को आम आदमी पार्टी के महापौर चुनाव के लिए एडवोकेट चंदन भट्ट ने कलेक्टरेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान चंदन भट्ट ने कहा कि वार्ड के क्षेत्रवासियों की समस्या को लेकर कार्य करना व गंदगी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना वार्ड के हर पार्षद का फर्ज है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष नसरुद्दीन मलिक, पवन अग्रवाल, तारा सिंह बिष्ट, तिलोकचंद दिवाकर, विवेक बिष्ट, राशिद सैफी, अनिल विश्नोई, यश रावत आदि लोग उपस्थित रहे। जी चंदन जी, आज आपने आम आदमी पार्टी से जो है वो मेयर सीट के लिए नॉमिनेशन कराया है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, प्राथमिकताओं को जानने के लिए आपको पहले हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं पहले उनको समझना पड़ेगा। कुछ समस्याएं ऐसी हैं आपको दिख जाएंगी, हाँ। और कुछ समस्याएं ऐसी जो नहीं दिखेंगी। यहाँ पर जो ना दिखने वाली समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या टैक्स को लेकर समस्या है, हाँ। आप शहर में चले जाइए, लोगों के पास नोटिस आ रहे हैं टैक्सेस के, हाँ। अच्छा, आप उस नोटिस को देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस हिसाब से उन्होंने टैक्स लगाया है, हाँ। ठीक, 2.5 लाख रुपए का टैक्स होगा, 2.5 लाख रुपए का ब्याज होगा, हाँ। ठीक जी। अच्छा, एक तरफ आदमी हाउस टैक्स जमा कर रहा है, हाउस टैक्स के साथ वाटर टैक्स भी जमा होता है। आप आज की तारीख में NOC लेने चले जाइए तो आपके ऊपर, जबकि आपका टैक्स जमा है, फिर भी वाटर टैक्स निकलेगा। मैं अपना उदाहरण दे दूं, मैं NOC लेने गया इसी नामांकन के लिए, मेरा पूरा अप टू डेट ऑनलाइन टैक्स जमा होता है, जमा होने के बाद भी मेरे ऊपर 17,000 रुपये का वाटर टैक्स निकाला गया है। अच्छा, ठीक, जिसके लिए अगर कोई और साधारण व्यक्ति होता तो उसको तो पैसे देने पड़ जाते जी। वहां पर मैंने अधिकारियों को दिखाया, समझाया, पूरी बात बताई, तब जाकर के किसी तरह से हम उससे मुक्ति पाए हैं जी। ठीक, अच्छा, ये होता क्या है, ये बढ़ता रहेगा, ब्याज पे ब्याज लगता रहेगा। ठीक, तो ये तो मैंने अपना उदाहरण बताया, ऐसे शहर में हजारों लोग हैं, हजारों। टैक्स कैसे काउंट किया, किस हिसाब से काउंट किया जी, सबसे पहले तो अव्यवस्था इसके अंदर है, ठीक है। किसी ने विचार नहीं किया आज तक। ठीक, लोग कचहरियों में चक्कर काटते हैं, लोग आते हैं हमारे पास कि साहब ये नोटिस आ गया, कुर कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। इसके अलावा शहर में सीवर लाइन का जो मुद्दा है, हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, भ्रष्टाचार जी। भ्रष्टाचार कैसे होता है साहब, पहले सड़क बन गई, बहुत बढ़िया सुंदर, लाखों रुपए खर्च किए, सड़क बन गई, सड़क बनने के बाद 4 महीने बाद सड़क खोद दी, ठीक जी। अब सड़क खुद रही है 5 महीना 6 महीना 7 महीना, सड़क ही खुद रही है, काम पूरा नहीं हुआ, लोग अव्यवस्था से त्रस्त हैं, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ाया, भर गए, सड़क टूटी फूटी है, उसके ऊपर पैच वर्क कर दिया, बारिश आई, गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया, फिर भराई करवाई। मतलब एक काम को आप कितने स्तर पे करोगे, एक काम को करने के लिए आपको 1.5 साल 2 साल कितने समय चाहिए? पैसा डबल खर्च हुआ, पैसा 3 गुना खर्च हुआ, पहले सड़क बनाई फिर गड्ढा करा, चलो गड्ढा तो प्रोग्राम में था।